महाभारत में अर्जुन की कहानी तो हम सबने सुना होगा। उन्हीं के माध्यम से हमें गीता का ज्ञान भी मिला एंड उन्हें ही इस एपिक के मुख्य पात्र के रूप में भी देखा जाता है। नो डाउट वो एक शूरवीर थे, एक महान योद्धा, बट सच कहूं तो उन्हें बहुत सारी खामियां थी जो कर्ण, भीष्म या द्रोण जैसे लोगों में नहीं थी। तो ऐसा क्या था अर्जुन में जो उन्हें महान कहा जाता है? महान क्या, अगर हम अर्जुन को एक मूर्ख कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, जो कि मूर्खतापूर्ण बातें और हरकतें करके अपने और अपने भाइयों को संकट में डाल देते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार अर्जुन ने मूर्खता में ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर कोई भी उसके गांधीव धनुष का अपमान करता है तो वो उसकी जान ले लेंगे, बस इसलिए क्योंकि उन्हें उस पर बहुत गर्व था। और परिणाम ये हुआ कि युद्ध के दौरान उनके अग्रज युधिष्ठिर ने ही फ्रस्ट्रेशन में आके उनके धनुष का अपमान कर दिया, जिससे वचनबद्ध उन्होंने तलवार निकाल लिया। किसी तरह श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और समझाया कि जान लेने के बदले सबके सामने वो युधिष्ठिर का अपमान करते, क्योंकि अनुज के द्वारा अग्रज का अपमान करना मृत्यु के समान माना जाता था। लेकिन फिर अपमान करने के पश्चात अर्जुन को युधिष्ठिर जैसे धर्मी व्यक्ति का अपमान करके इतना बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि वे आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप से अपने ही अग्रज का अपमान करने जैसा पाप करने के बाद जीवित रहने का क्या ही मतलब रह जाता है। एक बार फिर यह केवल कृष्ण की उपस्थिति ही थी जिसने अर्जुन को रोक दिया। कृष्ण ने किसी तरह अर्जुन को मना तो लिया, लेकिन अर्जुन को इस बात का बुरा लगा कि उन्होंने अपने शब्द का मान नहीं रखा, तो कृष्ण ने उन्हें एक सुझाव दिया कि वो पब्लिक में अपनी तारीफ करे, क्योंकि सार्वजनिक रूप से अपनी तारीफ करना ग्रंथों में मृत्यु के बराबर माना जाता है। और इस तरह अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों की जान बच पाई। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई उससे आपने इतना तो समझ ही लिया होगा कि अर्जुन किसी भी एंगल से परफेक्ट नहीं थे, लेकिन तब भी इतने मूर्खतापूर्ण हरकतों के बावजूद भी अर्जुन वह पात्र हैं जो मानवता के दिल में सदा आइडल, आदर्श के रूप में उत्कीर्ण रहेंगे। सवाल ये है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या था उनमें, वही अगले कुछ मिनटों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उनके जीवन के कुछ अनसुने और अनसुलझे पहलू के माध्यम से। तो अब जब मैंने ये सब कह दिया है तो आइए शुरू करते हैं। कृष्ण और अर्जुन की कथा महाभारत से कई हजार साल पहले शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों नर नारायण के पूर्व जन्म थे। नर और नारायण दो इनसेपरेबल ऋषि थे जिन्हें विष्णु का एक हिस्सा माना जाता है। वे ब्रह्मा के पुत्र धर्म और दक्ष की पुत्री मूर्ति से पैदा हुए थे। कहा जाता है कि उनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ था, क्योंकि उन्होंने सहस्र कवच नामक एक असुर का संहार किया था। बाय द वे, सहस्र कवच नामक ये असुर ही एक्चुअली पिछले जन्म में कर्ण था। डोंट वरी, मैं इसे जल्दी जल्दी मैं आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सहस्र कवच नामक ये असुर, जैसे नॉर्मली असुर होते हैं, अजय बनना चाहता था ताकि एज यूजुअल वो दुनिया पे राज कर सके, एंड हेंस उसने सूर्य की तपस्या करनी शुरू कर दी। और कुछ 100 सालों के पश्चात जब सूर्य ने उसे दर्शन दिया तो उसने 1000 सुपर पावरफुल कवचों की इच्छा रखी जो उसके शरीर से नेचुरली अटैच्ड हो, एंड हेंस वो एक हद तक अजय बन चुका था, जिसको हराने के लिए योद्धा को 1000 वर्षों तक ध्यान करना होगा और दूसरे 1000 वर्षों तक उसके साथ युद्ध करना होगा। इतना सब करने के बावजूद उसका बस एक ही कवच टूटेगा। इस प्रकार योद्धा को उस असुर का संहार करने के लिए इसी प्रक्रिया से उसके सारे कवचों को तोड़ना होगा। तो नर और नारायण ने उसे हराने का जिम्मा लिया। उनमें से एक मेडिटेट करते और दूसरा उस असुर से लड़ते, एंड इसी प्रक्रिया से किसी तरह वे उसके ऑलमोस्ट सारे कवचों को भेद पाए। जब बस एक कवच बचा तो सहस्र कवच को अपने अंत का एहसास होने लगा, जिस कारण उसने सूर्य से मदद मांगी और सूर्य देव ने उसकी रक्षा की। और उन ऋषियों ने अपने तप की शक्ति से यह डिक्लेयर किया कि वे फिर से जन्मेंगे उस असुर का संहार करने के लिए, एंड हेंस उनका जन्म महाभारत काल में कृष्ण और अर्जुन के रूप में हुआ और सहस्र कवच कर्ण के रूप में जन्मा, जिसमें सूर्य और असुर दोनों के अंश थे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि कर्ण को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता। तो हाँ, नर और नारायण का मिलन निश्चित था, उसी तरह जैसे हम सब का भगवान से मिलन निश्चित है। महाभारत काल में जब अर्जुन और पांडव ब्राह्मण का भेष बनाकर छुपे हुए थे तब उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला, जहां पहुंचने के बाद ही वो दिव्य मिलन हुआ अर्जुन और श्री कृष्ण का। इसके पीछे एक डीप सिंबलिज्म छुपा हुआ है। जब अर्जुन पांडव संग यानी हम आत्मा राजपाट से अवकाश लेके वनवास को जाते हैं, यानी सांसारिक सुख से अवकाश लेके तपस्या में जाते हैं, तब अर्जुन यानी हम द्रौपदी
यानी कुंडलिनी शक्ति के बारे में जान पाते हैं। जी हाँ, इस सब के पीछे डीप मीनिंग इनकोडेड है जो हमें उस परम सत्य की शिक्षा देता है। द्रौपदी के स्वयंवर को हम एक तरह से राजयोग के एक फाइनल स्टेप के तरह देख सकते हैं, जहाँ अर्जुन यानी एक आत्मा द्रौपदी यानी कुंडलिनी शक्ति से संगम कर पाती है, उनकी कठिन चुनौतियों को पूरा करके श्री कृष्ण यानी ईश्वर से मिल पाती है और उसकी सच्चाई का एहसास कर पाती है। और अगर हम गौर करें तो यही एहसास, यही मिलन श्री कृष्ण से अर्जुन के जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पल था और हमारे जीवन का भी है, क्योंकि इसी एहसास के द्वारा हम भक्ति योग कर पाते हैं और सही फैसला कर पाते हैं। नाउ सही फैसला से मेरा क्या मतलब है, वो हम इस कहानी के माध्यम से आगे जानेंगे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन कृष्ण के साथ रहे और जीवन की सच्चाई का एहसास करते गए। वो मूर्खता करते और हर बार कृष्ण उन्हें बचा लेते और उन्हें सच्चाई का मार्ग भी दर्शाते। जैसे एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन एक विधवा के घर गए। उस विधवा का कोई नहीं था, वह बिल्कुल अकेली थी, लेकिन उसके पास एक गाय थी। यह गाय उसके जीवन व्यापन का एकमात्र साधन था। वह दूध बेचती और दूध बेचकर ही वह अपना जीवन व्यापन करती, लेकिन साथ ही साथ वह नारायण की बहुत बड़ी भक्त भी थी। जब श्री कृष्ण और अर्जुन भेष बदल के उससे मिलने गए तो वह उन दो दिव्य अतिथियों को देख के बहुत खुश हुए। उसने अपने घर में जो कुछ भी था उन्हें खिलाया। श्री कृष्ण उसके आत्मसमर्पण और भक्तिभाव से बहुत खुश हुए। वापस जाते समय अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, आप जब उससे इतने प्रसन्न थे तो आपने उसे वरदान क्यों नहीं दिया? अर्जुन, मैंने तो उसे पहले ही वरदान दे दिया था कि उसकी गाय को कल मरना होगा। कृष्ण बोले, क्या? वो गाय उसके समर्थन का एकमात्र साधन था। उसके पास केवल यह गाय ही थी और कुछ नहीं। गाय के बिना वो पृथ्वी पर कैसे रह सकेगी? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। वो हमेशा गाय के बारे में ही सोचती थी। गाय को खिलाना पड़ता है, दूहना पड़ता है, नहलाना पड़ता है और इत्यादि। मैं चाहता हूँ कि वह केवल मेरे बारे में सोचे और जब गाय चली जाए तो वह हर समय 2400 घंटे मेरे बारे में ही सोचेगी। फिर जल्द ही मैं उसे मृत्यु लोग से आजाद कर पाऊंगा और एक बेहतर जीवन दे पाऊंगा। जब उसके पास धरती पे कोई नहीं होगा, गाय भी नहीं, तो वह खुद मेरे प्रति समर्पित हो जाएगी। दिन रात पूरे समय मेरी पूजा करेगी, अन्यथा अपनी पूरी जिंदगी वो इस तरह धरती पर घूमती रहेगी और मरणोपरांत गाय बन के जन्मेगी। यहाँ कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। ऐसे ही वो अर्जुन का मार्गदर्शन करते रहे और उन्हें शिक्षित किया ताकि वो सही फैसला कर सके उनकी आने वाली परीक्षा में। और अर्जुन ने सही फैसला लिया। जब युद्ध की तैयारी की जा रही थी तो कौरव और पांडव दोनों ही दूर दूर के राजाओं का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। एंड वो दोनों समर्थन प्राप्त करने के लिए द्वारिकाधीश कृष्ण के पास पहुंचे, जहां वासुदेव ने उन दोनों को दो ऑप्शंस दिए, या तो वे उन्हें चुने या उनकी सेना को। लेकिन अगर वो उन्हें चुनते हैं वो बस उन्हें अपना नैतिक समर्थन ही देंगे, ना कि युद्ध लड़ेंगे। क्योंकि अर्जुन छोटे थे और कृष्ण के पैरों के समीप खड़े थे तो उन्होंने पहले उन्हें चुनने का मौका दिया और अर्जुन ने सही चुनाव किया, कृष्ण को चुनके, भगवान को अपना मार्गदर्शक बना के। वैसे तो अर्जुन के जीवन ने हमें बहुत सारी बहुमूल्य बातें सिखाई, उन्हीं के माध्यम से हमें गीता का ज्ञान भी मिला, लेकिन उनका वही एक डिसीजन हमें अपने आप में ही बहुत कुछ सिखा गया। क्योंकि अगर हम गौर करें तो यही चुनाव था जिसने पांडवों की जीत सुनिश्चित की, भगवान को सबसे पहले चुनना। ध्यान दीजिए, बहुत लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। हाँ, हम सब भी अर्जुन की तरह ही परफेक्ट नहीं हैं। हम सब भी मूर्खता करते हैं और हम सब भी आदर्श बन सकते हैं। कैसे? कृष्ण को सबसे पहले चुनके, यानी अपना मार्गदर्शक बना के। यही डिसीजन डिसाइड करता है कि हम जीतते हैं या हारते हैं। दुर्योधन ने कृष्ण की नारायणी सेना को पिक किया, बट वहीं अर्जुन ने भगवान को पहले पिक किया। एंड सरप्राइजिंगली दोनों को लगा कि उन्हीं का डिसीजन बेस्ट है। अगर आप दुर्योधन से पूछते तो वो यही बोलता कि अर्जुन मूर्ख है। सिमिलरली अगर हम आजकल के लोगों को देखें तो वो भी सबकॉन्शियसली दुर्योधन की तरह ही हैं। वो भगवान को ना पिक करके भौतिक चीजों को पिक करते हैं और संतों को मूर्ख कहते हैं। यहाँ कृष्ण स्वयं भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी नारायणी सेना उनकी यानी विष्णु की माया को। हर सेकंड हर जगह में लोगों को श्री विष्णु के माया के पीछे यानी सुख संपत्ति के पीछे भागते हुए देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि कैसे वे भगवान को निग्लेक्ट कर देते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके सामने एक फैक्ट रखता हूँ। क्या आपको पता है कि दुनिया के 99.99% लोग क्लियरली नास्तिक हैं, यानी वे भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। मान लीजिए कि अगर किसी को आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पता चला कि उसके घर के नीचे करोड़ों का खजाना गड़ा है तो उसकी मनोदशा क्या होगी? मोस्ट लाइकली अगर उनको इस बात पे भरोसा हो जाए
तो वो एक सेकंड भी चैन से नहीं सो पाएंगे जब तक वो खजाने को पा ना लें। सिमिलरली अगर कोई सच में आस्तिक है, अगर कोई सच में भगवान की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है, तो वो सिर पांव एक कर देगा उस भगवान को पाने के लिए। उसे और कुछ नहीं दिखेगा बस उसके अलावा, जैसे मीराबाई, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। लेकिन वही हम लोग अपने आप को आस्तिक कहते हैं और इन पल भर के भौतिक सुख संपत्ति को पिक करते हैं भगवान के बदले, तो क्या हक है हमें अपने आप को आस्तिक कहने का? ऐसे में तो हम ना घर के हैं ना घाट के। इसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं करता हूँ, ये गलती है हमारे एनवायरमेंट की। अगर आज मैं गूगल पे सक्सेस वर्ड सर्च करता हूँ तो हमें कॉर्पोरेट सूट में एंटरप्रेन्योर दिखेगा जो किसी से हाथ मिला रहा हो या अपने लैम्बोर्गिनी के आगे खड़ा हो, लेकिन क्या वो सच में सक्सेस है? एक पल के भौतिक सुख को क्या हम सक्सेस कह सकते हैं? जब हमें जन्मों जन्मांतर का सुख प्राप्त हो सकता है, वो इन रियलिटी सक्सेस है। और धरती पे हमारा जीवन बस माध्यम है उस जन्मों जन्मांतर के सुख को प्राप्त करने का। नहीं तो खुद सोचिए, अगर ये जीवन ही एंड गोल होता तो हम मरते क्यों? दुर्योधन की तरह ही हम ये नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो अर्जुन की तरह ये समझता है वह भक्ति योगी है। अब भक्ति योग क्या है? भक्ति योग है अपने लाइफ के जंग में श्री विष्णु के माया की यानी भौतिक सुखों की नारायणी सेना को ना पिक करके स्वयं उन्हें पिक करना, क्योंकि वही आपको युद्ध जिताएंगे। यह बात सही है कि आपके लिए वो लड़ेंगे नहीं, जैसे वो अर्जुन के लिए भी नहीं लड़े, लेकिन तब भी उनकी जीत सुनिश्चित कर दी। जब आप भगवान को उनकी माया से पहले पिक करते हैं, उन्हें अपने जीवन का सारथी बना लेते हैं, तब आप एक योगी कहलाते हैं। टू कंक्लूड, भगवान हम सबको अर्जुन की तरह दो ऑप्शंस देते हैं। पहला, या तो हम उनकी नारायणी सेना यानी भौतिक सुखों को पिक करें, या दूसरा उन्हें चुने। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि महाभारत जानते हुए भी अधिकतर लोग दुर्योधन की तरह उनकी सेना को पिक करते हैं, सांसारिक सुख को चुनते हैं। और मुझे लगता है कि इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि जानते हुए भी उन्हें इसका एहसास नहीं है, उस मेढक की तरह। लेट मी एक्सप्लेन। एक मेढक था जो एक छोटे से कुएं में जन्मा और पूरी जिंदगी उसी में अकेला रहता, कुएं में रहने वाले कीड़े पतंगे खाके। एक बार हुआ ये कि बारिश में बहते हुए एक तालाब में रहने वाला मेढक उस कुएं में जा गिरा। जब बारिश खत्म हुई तो कुएं वाले मेढक ने उसे खुशी से पूछा कि क्यों दोस्त, इसे सुखद जगह तुमने कभी देखा है? देखो, मेरे पास पीने के लिए ठंडा पानी है और खाने के लिए अनगिनत कीड़े हैं। रात में मैं टिमटिमाते तारों को देख सकता हूँ और कभी कभी तो मैं सुंदर चंद्रमा को भी देख पाता हूँ। अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से आए हो? जिस पर नए मेढक ने बताया कि वो तालाब से आया था। तालाब क्या होता है? कुएं वाले मेढक ने पूछा। इस पर नए मेढक ने समझाने की कोशिश की कि तालाब एक विशालकाय पानी का साम्राज्य था जो इस कुएं से हजारों गुना बड़ा था और सुंदर भी। बकवास, कुएं वाले मेढक ने कुएं के एक कोने से दूसरी ओर कूदते हुए कहा, झूठ मत कहो, इससे बड़ा और सुंदर जगह कभी हो ही नहीं सकता है। हम भी कुछ हद तक उसी कुएं में रहने वाले मेढक की तरह ही है जो माया की जिंदगी में रहते हैं और भगवान को नकार देते हैं, क्योंकि हम इसका एहसास ही नहीं कर पाते हैं कि इस दो पल के जीवन और उसके सुखों से बेहतर कुछ होगा। एंड हेंस हम दुर्योधन की तरह भगवान को ना चुनके उनकी माया को चुनते हैं। अर्जुन को इसका एहसास था क्योंकि वो भगवान को अपने मित्र की तरह पूछता, यानी वो एक भक्ति योगी था, क्योंकि बस योगा से ही इस सच्चाई का एहसास किया जा सकता है। फिर चाहे आप राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग से करें या अर्जुन की तरह भक्ति योग से, लेकिन एहसास करना जरूरी है, क्योंकि बिना एहसास के आप दुर्योधन की तरह ही गलती कर बैठेंगे। भक्ति योग इस एहसास का सबसे सरल मार्ग है, जहां आप उस ईश्वर को निराकार ब्रह्म की तरह ना देखकर कृष्ण की तरह देखते हैं। और क्योंकि ये सबसे सरल है, इसलिए आम जनता के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ भी मानते हैं। जैसे जब 12वीं अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, वे जो इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आपकी उपासना करते हैं या वे जो निराकार ब्रह्म को पूछते हैं, तो उस पर कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही एक पर एक हैं, लेकिन मेड़े में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेड़े में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वही मेरे समझ से सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए अपने पसंद के योग का मार्ग चुनिए और इस सच्चाई को रियलाइज करिए, ताकि आप भी अर्जुन की तरह भगवान को पहले चुन सकें। क्योंकि ये दो पल का सुख चाहे आपको कितना भी लुभाए, इस सच्चाई को नकारिए मत, वही श्रेष्ठ है। और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सही आंसर भी, जिसे पिक करके हम इस माया की परीक्षा को पास कर पाएंगे।